नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र, सेफ्टी ऑफिसर। क्या आप CHP में कार्य करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि CHP में क्या क्या खतरे हैं? और क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम CHP में उपस्थित खतरों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं CHP में उपस्थित विभिन्न खतरों की, जिसमें से सबसे पहला खतरा है कोल डस्ट का वातावरण। कोल डस्ट के वातावरण के कारण बहुत से फेफड़ों संबंधी, श्वास संबंधी बीमारियां आने की संभावना रहती है, और कई बार कुछ ज़्यादा ही कोल डस्ट का वातावरण हो जाता है तो जिससे विजिबिलिटी भी कमज़ोर पड़ जाती है, जो कि दुर्घटना को संभावित बना देती है। दूसरा खतरा है कोल कन्वेयर बेल्ट, जो कि बहुत लंबी दूरी तक कोल को पहुँचाने का कार्य करता है, जिसमें स्वयं भी अनेक प्रकार के खतरे होते हैं, जिसमें कई बार श्रमिकों का कपड़ा फंस जाता है और अनेक प्रकार के एक्सीडेंट उसमें हो सकते हैं। CHP में एक टनल भी होता है, जिसमें कि कोयले का जहाँ पे पहली बार अनलोडिंग किया जाता है, जहाँ से बंकर तक पहुँचाने के लिए वहाँ पर कन्वेयर लगे होते हैं। वहाँ सबसे पहले तो बहुत अंधेरा होना संभावित है, क्योंकि दिन में भी वहाँ कृत्रिम प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, वहाँ पर एयर का सर्कुलेशन बाधित हो सकता है, जिससे कि दम घुट सकता है और हेल्थ संबंधी अनेक समस्याएं भी आ सकती है। अगली चुनौती है CHP में ऊंचाई। कोल कन्वेयर बेल्ट बहुत ऊंचे हाइट पर भी उपस्थित होते हैं, जिसके कारण कि वहां पर मेंटेनेंस कार्य करना और जो भी बाहरी जगह पर बहुत खतरों से भरा होता है। CHP में अनेक जगह उच्च ध्वनि क्षेत्र होता है, जो कि वहाँ पर लगातार कार्य करने वालों के कान के सुनने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करता है। अनेक जगह वाइब्रेशंस होते हैं, जो भी वहाँ पे काम करेगा उसके बॉडी में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो सकता है। CHP में बुलडोजर भी चलता है, जो कि अपने आप में एक खतरनाक मशीन है, जिसके अगर सही तरीके से संचालन नहीं किया जाए या कुछ खराबी आ जाए तो बहुत बड़े बड़े दुर्घटनाएँ संभावित हैं। CHP में अनेक जगह सकरे रास्ते होते हैं, खास करके कन्वेयर बेल्ट के बगल में, जहाँ से गुजरना होता है, जहाँ जरा सी असावधानी होने से बहुत बड़ी दुर्घटना संभावित है। वहाँ लगातार मशीनें चलती रहती है, कोल कन्वेयर बेल्ट चलता रहता है, अनेक प्रकार के मोटर चलते रहते हैं, जो कि स्वयं में अनेक प्रकार के खतरे उत्पन्न कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आ जाता है तो वो घातक दुर्घटना का भी शिकार हो सकता है। और सबसे बड़ा तो हम कह सकते हैं कि कोयले का ढेर, लाखों टन कोयला वहाँ पड़ा रहता है, जो कि अग्नि दुर्घटना का कारण बनता है। ऑयल भी जगह जगह वहाँ पर इस्तेमाल होता है, जो कि अग्नि दुर्घटना के लिए ईंधन का काम करता है। तो इतने सारे खतरे हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा और भी खतरे हो सकते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये जो खतरे बताए गए, इनसे किस प्रकार से हम स्वयं को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर चर्चा करें। सबसे पहला है कोल डस्ट। कोल डस्ट के लिए वहाँ पर स्प्रे सिस्टम लगा होना चाहिए, डस्ट सेपरेशन प्रणाली जरूरी है, तभी डस्ट को वातावरण में फैलने से रोका जा सकता है और उसके द्वारा लंग्स के इन्फेक्शन होने की संभावना को कम किया जा सकता है। दूसरा है डस्ट मास्क सभी को पहना करके रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि श्वास के द्वारा जो डस्ट अंदर जाने वाला है उसको उस मास्क द्वारा रोका जा सके। खास करके हेपा मास्क वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल के योग्य है, जहाँ पर ज़्यादा डस्ट होता है। एक होता है डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम, ये भी जहाँ पर ज़्यादा डस्ट वाला एरिया है, जो कि वहाँ के वर्कर्स के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, तो वहाँ डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम भी लगा होना चाहिए, ताकि वहाँ के डस्ट को खींच करके बाहर तुरंत निकाल सके और सुरक्षित तरीके से उस डस्ट का इस्तेमाल कन्वेयर बेल्ट में डालने में किया जा सके। दूसरा खतरा जो कि कोल कन्वेयर बेल्ट का है, कोल कन्वेयर बेल्ट से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूरे बेल्ट की लंबाई में, बेल्ट के दोनों ओर जहाँ जहाँ पे वर्कर्स के रहने की संभावना है, वहाँ पुल कार्ड लगा होना आवश्यक है और वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, और उसके वर्किंग की जाँच नियमित तौर पर कोई एक टाइम टेबल बना करके जरूर करते रहनी चाहिए कि उसमें कोई समस्या तो नहीं आ गई। एक और चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो भी कन्वेयर बेल्ट के आसपास कार्य करने वाले हैं, उनके कपड़ों का विशेष ध्यान रखा जाए। वे ढीले लटकने वाले कपड़े ना पहने
खास करके गमछा लगा करके काम करने वाले ये दुर्घटना को स्वयं आमंत्रित करते हैं। अगर वो लटका हुआ गमछा जो कि गले में लपेटा हुआ है वो कन्वेयर बेल्ट में किसी तरीके से फंस गया तो वो व्यक्ति को भी साथ ही साथ खींच ले जाएगा और बहुत भीषण दुर्घटना की संभावना है। जब भी कोल कन्वेयर बेल्ट के पास काम करें तो उससे एक सुरक्षित दूरी बना करके रखना बहुत ज़रूरी है ताकि अपने शरीर के अंगों को और कपड़ों को उस कन्वेयर बेल्ट में फंसने से बचाया जा सके। जहाँ टनल में काम होता है खास करके कोल अनलोडिंग जहाँ जिस टनल में होता है वहाँ पर कृत्रिम प्रकाश की समुचित व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम बहुत ज़रूरी है ताकि डस्ट को बाहर निकाला जा सके और एयर ब्लोअर और ज़रूरी है एग्जॉस्ट फैन बहुत ज़रूरी है ताकि हवा का सर्कुलेशन पूरे टनल में सही तरीके से हो और जो वहाँ पर कार्य करने वाले हैं उनको श्वास लेने में किसी प्रकार के हवा की कमी महसूस बिल्कुल भी नहीं हो। और ऊंचाई के खतरे से बचने के लिए जो भी कार्य ऊंचाई पर हो जहां से नीचे गिरने की संभावना है ऐसे जगहों पर सेफ्टी बेल्ट जरूर कंपलसरीली इस्तेमाल किया जाए और उसके नीचे सेफ्टी नेट भी लगा दें ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऊंचाई पर कार्य करने वालों को हो सके। जितने भी उच्च ध्वनि क्षेत्र हैं जैसे कंप्रेशर हाउस है, पंप हाउस है, क्रशर हाउस है, वहाँ पर सभी को ईयर प्लग और ईयर मफ लगाया जाना जरूर सुनिश्चित किया जाए। ऐसे मशीनों के पास जहाँ की बहुत ज़्यादा कंपन हो रहा है, इस प्रकार की जगह में जहाँ पर खड़े होने से शरीर में कंपन महसूस होता है लगातार, ऐसी जगह पर लगातार खड़े ना हों और थोड़ी थोड़ी देर में वहाँ से हटते जाएं। तो इस प्रकार के जगह में कार्य करने वाले कर्मचारियों को रोटेशन पर लगाया जाए ताकि कोई एक व्यक्ति जो लगातार वहाँ पर कार्य करता हो तो उसके शरीर में जो विभिन्न बीमारियाँ पैदा होने वाली है वो डिले हो सके या ना हो पाए। खासकर डोजर में काम करने के लिए जो कुशल ट्रेंड सर्टिफाइड लोग हैं उन्हीं को लगाना चाहिए और डोजर में हॉर्न जरूर सही तरीके से काम करते होना चाहिए, चाहे वो आगे बढ़ते समय हो या रिवर्स हॉर्न हो। उसके चलने से, उसके बसते रहने से जो आसपास के लोग हैं वो सावधान रहते हैं और दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। और डोजर में कोई भी समस्या आए उससे पहले उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल के माध्यम से और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के माध्यम से उस संधारण कार्य कराते रहें ताकि कभी ब्रेकडाउन अचानक ना हो और बड़ी दुर्घटना ना हो पाए। कन्वेयर बेल्ट के पास जहाँ पे अति सकरा रास्ता होता है जहाँ ऐसे जगहों पर लिमिटेड लोगों को ही जाने की अनुमति हो और वहाँ पर जानकार व्यक्ति को ही जाने की इजाज़त दिया जाए। अगर कोई अनजान व्यक्ति बहुत लिमिटेड जगह में जाएगा तो उसकी दुर्घटना बहुत ज़्यादा संभावित हो सकती है। चलती हुई मशीनें ये भी इस प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए वहाँ पर भी ढीले कपड़े वाले व्यक्तियों को मशीनों के आसपास ड्यूटी ना करने दें, किसी प्रकार का कार्य ना करने दें और सभी मशीनों में गार्डिंग का होना जरूर सुनिश्चित किया जाए क्योंकि गार्डिंग के अभाव में बहुत सी दुर्घटनाएँ देखी गई है। और हर मशीनों के पास इमरजेंसी पुश बटन अनिवार्य रूप से होना चाहिए और अगर लगातार मशीनें हों और उसके बगल में कंटिन्यू एक साथ अगर इमरजेंसी पुश बटन लगा हो तो उस पुश बटन पर उस मशीन का नाम शॉर्ट में और उसका क्रमांक जरूर लिखा होना चाहिए ताकि जब भी इमरजेंसी में उसको ट्रिप करने की ज़रूरत पड़े, उस मशीन को बंद करने की ज़रूरत पड़े इमरजेंसी पुश बटन के द्वारा, तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो, गलत मशीन बंद ना हो पाए। सबसे बड़ी जो घटना संभावना जो रहती है वो कोयले का ढेर जो कि आग जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में लग सकता है, उससे बचने के लिए चारों तरफ स्प्रे सिस्टम जरूर होना चाहिए ताकि अगर कभी भी आग लगे तो उसमें पानी डाला जा सके। हाइड्रेंट लाइनें चारों ओर बिछी होनी चाहिए ताकि बड़ी मात्रा में जब भी पानी की ज़रूरत पड़े सप्लाई की तो उसको पूर्ति किया जा सके। लेकिन हाइड्रेंट लाइन जो चारों तरफ अगर कोल के जो ढेर है उसके चारों तरफ अगर हाइड्रेंट लाइन बिछा होगा तो वहाँ से हम आग लगने पर दूर से ही मॉनिटर के माध्यम से पानी स्प्रे दूर से ही डाल करके आग को बुझाने में सक्षम हो सकते हैं। और कोई भी कोल को बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टॉक न रहने दें, जो कोयला पहले आया उसको पहले इस्तेमाल किया जाए, इस प्रकार से कोल स्टॉकिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रख के हम CHP में अधिकतर दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।